वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और आज के अपने इस वीडियो में हम यूपीपीएससी बीईओ प्री 2022 के लिए इंग्लिश मीडियम में अपने मॉड्यूल्स को देखने वाले हैं, यानी कि आज का अपने मॉड्यूल का डे कौन सा होगा, फर्स्ट डे है। आपको ये जो बीईओ का जो आपको फर्स्ट मॉड्यूल है वो हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं। और अगर आप दोनों लैंग्वेजेस में देखना चाहते हैं तो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो, और जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है इट्स टोटली अप टू यू, आप उस लैंग्वेज में देख सकते हैं। इफ यू वॉन्ट टू वॉच इन बोथ लैंग्वेजेस ऑफकोर्स यू कैन डू इट। ओके, चलिए बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यहाँ पर भारत के जो प्राचीन इतिहास है उसको हम पढ़ने वाले हैं, यही हमने उसमें पढ़ा है। आइए चलिए शुरू करते हैं। Sources of the ancient history, ancient Indian history. देखिए इतिहास के बारे में हमें sources से पता चला है कि कैसे क्या रहन सहन था, कैसा सामाजिक जीवन था, कैसा आर्थिक जीवन था, basically क्या क्या चीजें हैं उन्हें साक्ष्यों के आधार पर ही हमें पता चला है कि इतिहास था क्या। और इतिहास के लिए एक चीज हमें थोड़ा सा ओपनली समझना होगा, इतिहास के जो भी साक्ष्य मिलते हैं ना उसमें सिर्फ हमारे अजम्पशंस होते हैं कि ये चीज ऐसी दिख रही है इसका मतलब ये हो सकता है, उसे हम वर्तमान के साथ जो प्रेजेंट टाइम है उसके साथ लिंक करके समझने की कोशिश करते हैं। दैट्स व्हाई व्हाट इज हिस्ट्री, वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन करना। ठीक है, तो इस तरह से समझेंगे जो आज जो चीजें हमें आज मिली है प्राचीन समय से जो साक्ष्य मिले हैं उनको हम उसी तरह से अज्यूम करते हैं कि भाई ये आज के समय में ये चीजें तो हो सकता तब भी ऐसी चीजें हुआ करती होंगी, वही चीज है। चलिए आइए देखते हैं लिटरेसी सोर्सेज यानी कि साहित्यिक स्रोत क्या क्या है, जैसे रिलीजियस टेक्स्ट हो गए, कॉस्मिक टेक्स्ट हो गए, हमारे डिटेल्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स हो गए यानी कि विदेशी यात्री जो आते थे उनके विवरण से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी कि पुरातात्विक स्रोतों में क्या है, देखेंगे आप इंस्क्रिप्शंस हो गए, कॉइंस, पोइट्री, सील्स, स्कल्पचर, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, मॉन्यूमेंट्स, ये सब चीजें आप देखते हैं कैसे हमें साहित्य पता चलता है इतिहास का, मतलब कैसे पता चलता है इतिहास के बारे में जो हमारे पुराने जो स्रोत है जैसे अभिलेख, सिक्के, मिट्टी के बने बर्तन हो गया। ठीक है, इसके बाद आप मोहरे हो गई, मूर्ति कला, पेंटिंग हो गया, आप वास्तुकला, स्थापत्य कला, वहां के महलों से, वहां की चित्रकला से पता चलता है अच्छा उनका जीवन किस प्रकार से रहा होगा, उन्होंने अपना जीवन यापन कैसे किया, वो सब चीजें हमें चित्रकारी, भवनों से, वहां के कॉइन से, इन सबसे पता चलता है। तो किसके अंतर्गत पता चलता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से पता चलता है। लेट्स सी रिलीजियस टेक्स्ट में देखेंगे आप क्या है, धार्मिक ग्रंथों में जैसे आपका हो गया ब्राह्मण लिटरेचर हो गया, बुद्धिस्ट लिटरेचर हो गया, जैन लिटरेचर हो गया, इसमें भी सब डिविजन है इनके। जैसे आप देखेंगे धार्मिक, अगर हम यहाँ पर बात करें रिलीजियस टेक्स्ट की, यहाँ पर धार्मिक ग्रंथ की, तो उसमें ब्राह्मण की अगर बात करें तो देखते हैं ब्राह्मण साहित्य में जैसे वेद, उपनिषद, आरण्यक, आप नीचे देखेंगे इसको यहाँ पर सब दिया गया, उपनिषद हो गया, वेद हो गया, पुराण, रामायण, महाभारत, धर्मशास्त्र, धर्म सूत्र, स्मृतियां, इन सबसे हमें अपने स्रोत पता, इन सभी स्रोतों से पता चलता है इतिहास के बारे में। भाई तभी तो हम कहते हैं ना कि हमारे उसमें रामायण में ऐसा लिखा था, अच्छा तो वहां पर ऐसी चीजें हुआ करती थी, अच्छा वहां पर ऐसे सिक्के मिले, तो अच्छा उस प्रकार से वहां पर रहन सहन था, अच्छा इस चीज का हमें यहाँ पर साक्ष्य मिला, भवन मिले, तो अच्छा उस प्रकार से उनका लिविंग स्टैंडर्ड था, तो वैसे ही हम इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी। ठीक है, आइए नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। देयर आर फोर पार्ट्स ऑफ वैदिक लिटरेचर, आप देखते हैं वैदिक साहित्य के चार भाग होते हैं जिसमें वेद होता है, ब्राह्मण है, अरण्यक है, उपनिषद है, ये चीज दी गई है। आप देखेंगे द वर्ल्ड हिस्ट्री इज मेंशन इन फर्स्ट इन द अथर्ववेद, जो सर्वप्रथम अर्थवेद में इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है, और इतिहास क्या है, इज द उपवेद ऑफ द अथर्ववेद। ठीक है, आप देखेंगे अथर्ववेद का उपवेद है इतिहास। कौटिल्य ने क्या कहा था यहाँ पर समझिए, कौटिल्य ने कहा था कि राजा को हर दिन पर डे आप देखेंगे कि इतिहास के कुछ समय निकाल कर इतिहास को कुछ सुनना चाहिए। ऐसा क्यों, देखिए इतिहास को समझेंगे तभी आप वर्तमान में चीजों को कुछ इंप्लीमेंट कर सकेंगे, अपने इतिहास के बारे में जानेंगे तभी वर्तमान में सुधार होगा और भविष्य तभी अच्छा हो सकता है। ठीक है, यही इनका कहने का मतलब था। अब देखिए ईएचकार जो थे इतिहासकार थे उनके अकॉर्डिंग हिस्ट्री क्या था, मैंने क्या बोला हिस्ट्री अजम्पशंस है, सबने अपने अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दिए तो हमें वही पढ़ना है। तो हिस्ट्री इज द कॉन्टिन्यूस डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, दैट मीन्स हिस्ट्री क्या है, इतिहास जो पास्ट यानी कि अतीत और प्रेजेंट यानी कि वर्तमान के बीच का निरंतर या कॉन्टिन्यू चलने वाला कॉन्वर्सेशन है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस डायलॉग है, एक संवाद है यहाँ पर। नाउ अकॉर्डिंग टू द वरी क्या है, ब्यूरी ने कहा था कि इतिहास सिर्फ विज्ञान ही नहीं है,
देखिए इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द व्यूरी ने क्या बोला था कि इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा, दैट मीन्स क्या था, हिस्ट्री इज द साइंस, नथिंग लेस नथिंग मोर। अकॉर्डिंग टू द बेकन, यहाँ पर देखते हैं आप कि जो बेकन थे उनके अनुसार क्या था, इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। बट ऑब्वियसली जितना आप हिस्ट्री के बारे में जानेंगे उतना आप चीजों को नॉलेज को गेन करेंगे। एज यूजली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम भी तो अपनी नॉलेज को एनहेंस ही कर रहे हैं ना हिस्ट्री को जानकर। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ आर एग्जाम्स, बट वैसे भी अगर हम पढ़ते हैं अपनी चीजों को, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इन सब चीजों को फॉर एग्जाम्पल, तो अपनी नॉलेज को इनहेंस करने के लिए करते हैं, राइट। नाउ लेट्स सी, देखिए आप यहाँ पर देखेंगे बेकन ने हिस्ट्री के बारे में क्या कहा, हिस्ट्री मेक मैन इंटेलिजेंट, यहाँ पर क्या है, हिस्ट्री क्या है, व्यक्ति को बुद्धिमान बनाती है। देखिए यहाँ पर बर्नी ने फिर क्या बोला, हिस्ट्री इज द क्वीन ऑफ द साइंसेस, जो इतिहास है वो इतिहासों को विज्ञान की रानी कहा गया है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अबुल फजल के द्वारा, हिस्ट्री इज अ हॉस्पिटल वेयर अ पर्सन गेट मेडिसिन फॉर हिज सैरोज गेट्स ट्रीटमेंट फॉर द सैडनेस। माफी चाहती हूँ थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हुआ होगा बीच में। देखिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसमें, ऑब्जर्विंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, कॉलिंगवुड ने कहा था जो इम्पोर्टेंस था उन्होंने ऑब्जर्व किया हिस्ट्री का, क्या इम्पोर्टेंस उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हम एक ऐसे युग की दहलीज पर खड़े हुए हैं जिसमें दुनिया के लिए इतिहास उतना ही इम्पोर्टेंट होगा जितना कि 1600 से लेकर 1900 के बीच जैसे नेचुरल साइंस था, ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान था, कुछ इसी तरह से यहाँ पर उन्होंने कहने का मतलब दर्शाया है। आइए देखिए नेक्स्ट क्या है इसमें, द फर्स्ट रोमन एम्परर, यहाँ पर देखेंगे आप द फर्स्ट रोमन एम्परर जो थे हमारे कौन थे, ऑगस्टस की बात कर रहे हैं, इम्पोज सेंसरशिप ऑन हिस्ट्री एंड हिस्टोरियंस, द सेम वर्क वॉज डन बाय औरंगजेब इन द मिडिवल पीरियड, ही बैंड हिस्टोरियोग्राफी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसको सही से समझते हैं, ही बैंड हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री इज अ कंसीडर टू बी मोर इफेक्टिव वेपन देन सॉर्ड और गन। यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया था, आप समझेंगे कि जो रोमन सम्राट के ऑगस्टस थे उन्होंने इतिहास के और इतिहासकारों पर सेंसरशिप लगा दिया था, और यही काम आप मध्यकाल में आते हैं तो देखते हैं कि औरंगजेब के ने भी ऐसा ही किया, क्यों, क्योंकि इनको लगता है, इन्होंने ऐसा पाबंदी क्यों लगाई, इनको लगता है कि हिस्ट्री जो है वो यहाँ पर क्या सॉर्ड और गन की तरह यानी वेपन्स की तरह काम करती है, तलवार और बंदूक से भी अधिक कारगर माना जाता है इतिहास को, क्लियर है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जम्बूद्वीप इंडिया हिंदुस्तान और इंतु जो हमारे भारत देश के विविध नाम है, कई सारे नाम है यहाँ पर इंडिया के। इसके बाद आप देखते हैं जो विदेशी सर्वप्रथम इसको क्या मानते थे, सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए और इन्होंने इसलिए पूरे देश को ही सिंधु या इंडस के नाम से इसको पुकारा, ठीक है, दे कॉल्ड द होल कंट्री बाय नेम ऑफ इंडस एंड इंडस, ठीक है, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली ट्राइंगुलर और आर्क्ड इन शेप। आप इसको देखेंगे कि इसमें क्या दिया गया कि भारतीय जो उपमहाद्वीप था वो वास्तविक रूप से त्रिकोणकार या हम उसे कह सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ट्राइंगुलर था, बेसिकली ट्राइंगुलर शेप में था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं धनुषाकार में था, इस तरह से माना गया है इसको, ठीक है। देखिए क्या है, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इज फाउंड इन द, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसको ध्यान दीजिए, भुवनकोश में, भुवनकोश जो चैप्टर है उसमें देखेंगे ऑफ द पुराना, इसको समझिए पुराणों के जो भुवनकोश चैप्टर है उसमें भारत के भूगोल का उसकी ज्योग्राफी का वर्णन यहाँ पर किया गया है, ठीक है। इसमें बताया गया कि पुराणों में पृथ्वी को कमल के रूप में स्वीकार किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया था कि पुराणों में पृथ्वी को कमल के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक है, अर्थ हैज बीन कंसीडर्ड एज इज लोटस अकॉर्डिंग टू द पुराणास, बिफोर द नेम ऑफ भारतवर्ष इंडिया वाज नोन एज, आप देखेंगे यहाँ पर किस नाम से इंडिया को जाना जाता था, अजनाब और हेमतवर्ष के नाम से ये विख्यात था इंडिया को, इंडिया क्या नाम, किस नाम से विख्यात था, इन दो नामों से काफी विख्यात था। आप देखते हैं कि जो इंडिया है वो प्रशस्ति का उल्लेख पुराणों में मिलता है उनके, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इट डिस्क्राइब दैट द इंडिया इज अ लैंड ऑफ कर्मा एंड हेवन इज अ लैंड ऑफ प्लेजर। देखते हैं कि भारत क्या है, भूमि कर्म भूमि है, ठीक है, कहते हैं कि स्वर्ग की भोग भूमि है। भारत का वर्णन आप देखते हैं, भारत जो इंडिया इज डिस्क्राइब्ड इज आल्सो डिस्क्राइब्ड इन द एज द एपिटोम ऑफ द वर्ल्ड, दैट मींस इसके रूप में भी इसको जाना गया है। वही देखते हैं कि स्मिथ ने भारत को एथनोलॉजिकल म्यूजियम कहकर भी संबोधित किया, क्या कहा है स्मिथ ने, एथनोलॉजिकल म्यूजियम भी कहकर इसको बुलाया है, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द नेम ऑफ एन एंशियंट डायनेस्टी कॉल्ड भारत, यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, भारतवर्ष में अथवा भारत नामक एक प्राचीन राजवंश के नाम पर इस देश को भारतवर्ष कहा गया है। वहीं भारत के पहले क्या थे यहाँ पर, चक्रवर्ती थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, तो चक्रवर्ती सम्राट के अनुसार यहाँ पर आप देखेंगे उन्होंने क्या कहा भारत के बारे में कि द पार्ट ऑफ द थाउजेंड योजना एक्सटेंडिंग फ्रॉम द हिमालयस टू द सी इज अ रीजन ऑफ चक्रवर्ती किंग। देखिए चक्रवर्ती सम्राट की परिभाषा को यहाँ पर कुछ इस तरह से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, उसमें क्या कहा गया है कौटिल्य के अनुसार कि हिमालय से लेकर आप देखते हैं कि समुद्र तक जो सी है समुद्र तक हजार योजन विस्तार वाला भाग जो है वो चक्रवर्ती राजा का शासन क्षेत्र होता है, यहाँ पर ये चीज दी गई है। द ग्रीक्स कॉल्ड दिस कंट्री एज इंडिया, यूनानियों ने इस देश को इंडिया
कहकर पुकारा। सबसे पहले इंडिया का नाम का इन्होंने जो प्रयोग किया था, आप देखते हैं यहाँ पर 6th से 5th सेंचुरी में, आप देखेंगे जो BCE है यानी कि ईसा पूर्व में इतिहास के जो पिता नाम से विख्यात थे हेरोडोटस, उन्होंने इसका नाम इंडिया दिया। ठीक है, फिर देखते हैं इसके बाद इंडिया शब्द का प्रयोग मेगास्थनीज ने किया था। यहाँ पर लिखा है यहाँ पर मेगास्थनीज के बारे में कि इंडिया नाम का शब्द का प्रयोग मेगास्थनीज ने यहाँ पर किया था। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इंडिया डिस्क्राइब्ड बाय हेरोडोटस ओनली रिफ्लेक्ट्स द इंडस एंड इट डेल्टा रीजन। ठीक है, व्हाइल इंडिया डिस्क्राइब बाय मेगास्थनीज मीन्स एंटायर इंडिया सब कॉन्टिनेंट। देखिए, जब मेगास्थनीज ने इंडिया को वर्णित किया था तो इनका कहने का मतलब था पूरे संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप से था, लेकिन जब हेरोडोटस ने इंडिया शब्द का वर्णन किया तो उन्होंने केवल सिंधु और उसके डेल्टा ही एरिया को ही समझा और उसको किया था, वो उसका उनका कहने का मतलब वही था इंडिया से। चलिए देखिए यहां पर क्या है, आप देखते हैं कि जैसे ह्यूएनसांग हो गया, ठीक है, ह्यूएनसांग ने एड्रेस किया था इंडिया को किस नाम से किया था, आप देखते हैं यहाँ पर ह्यूएनसांग ने इंडिया को यिंतु यानी कि उन्होंने चंद्रमा मून कहकर इंडिया को बुलाया था, संबोधित किया था। तो आप देखते हैं कि इसिंग ने भारत को आर्य देश और ब्रह्म राष्ट्र कहकर यहाँ पर पुकारा था। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके पीटी के आस्पेक्ट से भी, ध्यान रखिएगा इन छोटे छोटे पॉइंट्स को। वहीं आप देखते हैं द डिस्क्रिप्शन ऑफ, आप देखते हैं भारद्वाज, यहाँ पर देखेंगे कि जो आप इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर जो भारतवर्ष के विवरण मिलता है किसके अंतर्गत की मैं बात कर रही हूँ, जो खारवेल की बात की गई है यहाँ पर, इस फर्स्ट found in Kharvel's Hathi Gumpha inscription which is in प्राकृतिक की बात की, प्राकृतिक या भाषा की बात की गई है कि खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम प्राकृत में भरदवस यानी कि भारतवर्ष का विवरण मिलता है और एक प्रदेश के रूप में पूरे भारत सबसे पहले भारत का वर्णन पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। यहाँ पर यही चीज़ दी गई, पाणिनि के अष्टाध्यायी में आपको इसका वर्णन भारत का मिलता है। वहीं आप देखते हैं कि जैसे मनुस्मृति हो गए, ठीक है, भागवत पुराण हो गए, उसमें भारत को देव निर्मित देश कहा गया, क्या कहा गया है, कंट्री डेवलप्ड बाय गॉड्स। ठीक है, द टर्म भारतीय हैज बीन यूज फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द मीनिंग ऑफ इंडियन इज, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि इसको आप देखेंगे कि सोमदेव सूरी के जो नीति वाक्यामृतम में सबसे पहले भारतवासी के अर्थ में भारतीय शब्द का यूज हुआ था। ठीक है, ये टर्म याद रखिए यहाँ पर इस नाम को। इसके बाद देखते हैं अथर्वेद में, आप देखेंगे गांधार हो गया, फिर इसके बाद मुजवत हो गया, महाब्रश हो गया, वालीक हो गया, मगध हो गया, अंग हो गया, ठीक है, अष्टचक्र, अयोध्या, वरुणावती हो गया, इनका भी उल्लेख देखने को मिलता है यहाँ पर। वहीं देखते हैं भारत में प्राचीनतम जो ऐतिहासिक आप देखेंगे कौन थे, यहाँ पर एस्ट्रोनॉमर थे, उनका एस्ट्रोनॉमर कौन, यहाँ पर अर्थ उसकी आर्यभट्ट की बात की जा रही है ना, तो ही वॉज द फर्स्ट हु देखते हैं कि प्रोपाउंड दैट द अर्थ इज राउंड एंड इट रिजॉल्व इन ऑन इज इट्स एक्सिस, दैट मीन्स कि पृथ्वी जो है अपने गोल है और वो अपने ही अक्ष पर आप देखेंगे अपनी ही धुरी पर चक्कर लगाती है। तो यहाँ पर किसने कहा था कि पृथ्वी अपनी ही धुरी पर चक्कर लगाती है, तो आर्यभट्ट ने कहा था, ध्यान रखिएगा ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। नाउ लेट्स कि यहाँ पर क्या दिया गया है पिक्चर्स में, यहाँ पर लेफ्ट में जो ये पिक्चर दिया गया, बताया गया कि जो स्टोन है उससे कैसे खाने के लिए एक टूल की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता था, जड़ों को खोद के वहाँ से कंदमूल वगैरह या चीज़ों को खाने के लिए। वहीं यहाँ पर राइट साइड में आप पिक्चर में देख रहे हैं व्हाट इज मेंशनड हियर कि यहाँ पर टूल्स यूज फॉर सोइंग द गारमेंट्स मेड फ्रॉम एनिमल्स स्किन, तो यहाँ पर जानवरों की जो खाल होती थी उससे वस्तु आप देखेंगे वस्त्रों का कैसे सिला जाता था इस पत्थर के थ्रू, यहाँ पर वो दिया गया है। चलिए ठीक है, यहाँ पर स्टोन एजेस की बात कर रहे हैं ना, पाषाण युग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, पैलियोथिक एज और स्टोन एज यानी कि पाषाण युग की बात की जा रही है। तो पाषाण युग से तात्पर्य क्या होता है, देखिए ऐसे काल से जब लोग पत्थरों पर आश्रित थे, आप देखेंगे पत्थरों के ही वो औजार बनाया करते थे, पत्थरों के ही वो एक शिला में यानी कि गुफा में रहा करते थे, उनका पूरा जीवन का आधार वही सब था। आप देखेंगे मानव सभ्यता के जो स्टार्टिंग का एज था उसमें जब मानव आज की तरह विकसित नहीं था, ठीक है, आज की तरह विकसित जब वो नहीं था तो कैसे पहले के मानव ने पूरी तरह से मानव को क्रोमोग्राम के नाम से इस वक्त में जाना जाता था। इस काल में मानव प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहता था, भाई सीधी सी बात है, यहाँ क्या लिखा है, ड्यूरिंग द पीरियड मैन यूज टू स्ट्रगल विद द नेचुरल क्लाइमेट्स एंड लिव्ड हिज लाइफ बाय हंटिंग एंड ईटिंग फ्रूट्स डेट्स एंड ब्लेड देखेंगे ब्लेड बर्डिंग टाइप टूल्स आर द करेक्टरिस्टिक्स, आप देखते हैं रिचर्स जो है अपर पॉलिट, यहाँ पर देखिए क्या लिखा, अपर पैलियोथिटिक ट्रेडिशन सोहन कल्चर मद्रास, इसके बाद देखते हैं मद्रास हो गया, विंध्य कल्चर हो गया, आर द एसोसिएटेड विद द पैलियोथिटिक कल्चर, यहाँ पर समझिए इसका कहने का क्या मतलब है। इन शॉर्ट आप इसको देखिए, कह रहे हैं कि जैसे पहले के मानव जो था पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था, ठीक है, इस काल में मानव प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहता था, शिकार कंदमूल हो गया, फल खाकर अपना जीवन जैसे तैसे वो गुजारता था। वहीं ब्लेड व्यूरिन प्रकार के एक उपकरण होते थे जिससे आप देखेंगे यहाँ पर जो उच्च पूर्व पाषाण काल है उसमें परंपरा के परिचायक के लक्षण के रूप में मिलते हैं। वहीं इसको सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्य संस्कृति का संबंध पाषाण युगीन संस्कृति से, ये चीज़ यहाँ पर कहने का प्रयत्न किया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि भारतीय प्रागैतिहासिक को सबसे पहले किसने खोज की थी, इसके बारे में किसने जाना था, तो डॉक्टर प्राइमरोज को जाना जाता है,
डॉक्टर प्राइमरोज ने इसके बारे में सबसे पहले बताया 1842 एडी में यानी कि ईस्वी में, और कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंग सुगुर नामक नवपाषाणकालिक स्थल से प्रागैतिहासिक औजार प्राप्त हुए हैं यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा प्री हिस्टोरिक टूल्स जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यहाँ से आपको प्राप्त हुए, किसके द्वारा खोजा गया था, डॉक्टर प्राइमरोज की बात यहाँ पर की गई है और 1842 में। आप देखते हैं स्टोन एज कम्स अंडर प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द वैदिक सिविलाइजेशन कम्स अंडर प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। देखिए जो प्रागैतिहासिक के अंदर आप देखेंगे पाषाणकालीन सभ्यता या आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी जो सभ्यता है जैसे वैदिक सभ्यता आती है, जबकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व से आप देखते हैं कि ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। वहीं 1863 में क्या होता है, सबसे पहले आप देखते हैं कि भारत में, आप यहाँ पर देखिएगा कि भारत में पत्थरकालीन यानी कि पाषाणकालीन सभ्यता का रिसर्च होना यहाँ पर शुरू हो गया था 1863 के दौरान। प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय आप देखते हैं निरक्षर समाजों का इतिहास है, ये चीज़ यहाँ पर, द फोकस ऑफ स्टडी इज ऑफ प्री हिस्टोरी इज द हिस्टोरी ऑफ द इलिटरेट सोसाइटीज़। ठीक है, 1816 में देखिए क्या हुआ कि टॉमसन ने पाषाण काल में पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल का त्रिवर्गीय विभाजन किया, तो थ्री यहाँ पर डिवीजन हुए थे, स्टोन एज, ब्रोंज एज और आयरन एज यहाँ पर दिया था। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि जॉन जो लुब्बक है उन्होंने 1865 में अपनी जो बुक थी ये प्री हिस्टोरिक टाइम्स में बताया, देखिए यहाँ पर इनकी बुक का नाम लिखा हुआ है, फर्स्ट डिवाइड द स्टोन एज इन द प्री पैलिथोटिक नेलिथोटिक पीरियड इन द 1865। लुब्बक एज नोन एज लॉर्ड एवेंजरी की बात, एवरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। बेसिकली आपको यहाँ पर पूरा ये समझना है कि इन्होंने जो अपनी पुस्तक थी पीरियोडिक टाइम्स में किया था, इसके बारे में वर्णन ये नवपाषाण कालवासी शब्दावलियों का इन्होंने प्रयोग किया था। लार्तेट ने पूरा पाषाण काल का विभाजन पहले या फिर हम कह सकते हैं कि निम्न पूर्व, मध्य पूर्व, उच्च पूर्व पाषाण काल में यहाँ पर किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि लेटेस्ट डिवीजन आप देखते हैं पैलियोथोटिक पीरियड इज अर्ली और लोअर एंड मिडल एंड द अपर पैलियोथोटिक पीरियड्स की यहाँ पर बात की, तीन विभाजन यहाँ पर क्या है लुब्बक के द्वारा, वही चीज़ यहाँ मेंशन की गई है। आप देखेंगे कि अगर हम इसमें देखते हैं कि इसका कालक्रम देखिए, क्रोनोलॉजी देखेंगे तो कैसे यहाँ पर पहले तो पैलियोथोटिक एज आया, फिर इसके बाद नेलिथोटिक एज, फिर ब्रॉन्ज एज, फिर आयरन एज, दैट मीन्स पूर्व पाषाण काल, नवपाषाण काल, कांस्य युगीन, लौह युगीन। जैसे जैसे एरा आगे बढ़ते चले जाएंगे उसमें नया नया विकास होता जाएगा, पहले वाले से थोड़े भिन्न होते जाएंगे और पहले वाले से ज़्यादा विकसित होते जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या दिया है, प्रेजेंट आप देखेंगे आर्कियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द थ्री मेन्स एज स्टोन, ब्रोंज, स्टोन एंड ब्रोंज एंड आयरन वॉज डेवलप्ड बाय द डैनिश आर्कियोलॉजिस्ट, आप देखते हैं क्रिश्चियन, क्रिश्चियन के बारे में यहाँ पर जिनका नाम दिया गया है जॉर्गेंसन थॉमसन ने किया था। इसे देखेंगे डेनमार्क के जो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण यानी कि स्टोन, आप देखते हैं ब्रॉन्ज, इसके बाद आप देखते हैं लौह यानी कि आयरन के त्रियुगीय विभाजन को 1820 में पुरातात्विक क्रिश्चियन जॉर्गेंसन ने थॉमसन ने किया था। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट V.S. आप देखेंगे V.S. वांकरन ने पहली बार यहाँ देखेंगे फर्स्ट सॉ द भीमबेटका केव, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको अच्छे से देखिएगा, भीमबेटका केव एंड डिस्कवर, आप देखेंगे डिस्कवर द प्रीहिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग्स, इन्होंने सबसे पहले वहाँ के शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व के रूप में खोजा था। किसने खोजा था, बांकर ने पहली बार भीमबेटका में। आप देखेंगे भीमबेटका केव के बारे में क्यों मेंशन किया गया है, यहाँ पर आप देखते हैं उनके लाइफ स्टाइल के बारे में आपको चित्र मिलते हैं, तो पेंटिंग्स मिलती हैं, ठीक है, युद्ध के बारे में मिलते हैं, इस किस तरह से वहाँ पर युद्ध किया करते थे, शिकार इत्यादि के चित्र मिलते हैं। तो इससे क्या अंडरस्टैंड करते हैं आप कि देखिए इसका मतलब है कि वहाँ पर युद्ध के ऐसे साक्ष्य मिले यानी कि कुछ चीज़ थी जिसके लिए वो युद्ध किया करते थे, या हो सकता है कि भाई बाहर से किसी ने आक्रमण किया तो अपने डिफेंस के लिए उन्होंने युद्ध करना प्रारंभ किया, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो सो मैनी कॉज मतलब बिहाइंड द वॉर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके हिस्ट्री की बात कर रहा है कि देखिए जो आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसमें स्टोन एज देखेंगे, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है जो उसमें आप देखेंगे इंडस सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, इसके बाद हिस्टोरिक पीरियड में आप बीसी फ्रॉम द 6th सेंचुरी यानी कि इसमें आप देखेंगे ईसा पूर्व छठी शताब्दी से यहाँ पर चीज़ों को देखना शुरू करेंगे। नाउ द फॉलोइंग प्री स्टोन एज इज डिवाइडेड इंटू टू क्लासेज ऑन द बेसिस ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट के आधार पर इनको दो भागों में विभाजित किया गया है, किसको, पूर्व पाषाण युग को, जिसमें आप देखेंगे पहला क्या है आपका चॉपर चॉपिंग या पेवल संस्कृति यहाँ पर दी गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इससे क्या हो सकता है कि आपका एक शॉर्ट नोट पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में, तो अच्छे से तैयार करिएगा। देखेंगे यहाँ पर हैंड एक्स और क्लीवर की यहाँ पर बात की गई है, तो आप देखेंगे चॉपर चॉपिंग जो था सबसे पहले सोहन नदी घाटी से इसके साक्ष्य मिले हैं, इसीलिए इसे क्या कहा गया, जहाँ से इसे साक्ष्य मिले हैं उसे इसलिए क्या कह दिया गया, सोहन संस्कृति भी कहा गया। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ देखते हैं कि हैंड एक्स वॉज ऑब्टेन फर्स्ट ऑन 28th सितंबर 1864 बाय प्रोफेसर किंग फ्रॉम, आप देखते हैं यहाँ
पर वद दुरे के द्वारा इनको खोजा गया था, जो कि अतिपक्कम से ये प्राप्त हुए थे साक्ष्य किसके, हैंडएक्स के, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, हैंडएक्स सबसे पहले मद्रास से प्राप्त हुई थी। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मद्रास से जो कुल्हाड़ी थी वो आपको प्राप्त हुई, इसीलिए इसे मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है। और इस संस्कृति में आप देखते हैं क्लीवर, स्क्रेपर और क्रोड भी इत्यादि यहाँ पर मिलने शुरू हो गए थे। नाउ लेट्स सी, इन इंडिया द फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक वॉज जियोलॉजिस्ट रॉबर्ट ब्रूस फूट के बारे में यहाँ पर पता चलता है कि भारत में प्रागितिहास के जनक किसको माना जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फूट को माना जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो भाई पीटी के एस्पेक्ट से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिए, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए अब देखेंगे यहाँ पर कि बेलन नदी घाटी की अगर बात की जाए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, कि बेलन नदी घाटी जो कि टोंस नदी की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है उसकी, तो आप देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से निकल कर ये मिर्जापुर जिले से होते हुए इलाहाबाद जो कि आज आपका प्रयागराज है, प्रयागराज जिले में टोंस नदी से मिल जाती है, क्लियर है। ये नदी घाटी आप देखते हैं, नदी जो घाटी क्षेत्र है वो पुरातात्विक खोज के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। किसकी बात करें, ये जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, दिस एरिया इज फेमस फॉर आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स, दिस वैली इज ऑल्सो कॉल्ड द टेक्स्ट बुक ऑफ द इंडियन प्रीहिस्टोरिक पीरियड। दैट मीन्स ये जो एरिया बताया गया है इसको कहते हैं कि ये जो है ये घाटी जो है पुरातात्विक खोज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और इसीलिए इस घाटी को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे इसके बाद जो उपकरणों के बाद आपको यहाँ पर बेलन के जैसे लोहंदा नाला क्षेत्र में इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की यहाँ पर आपको मूर्ति मिली है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखते मातृ देवी की जो मूर्ति मिली, कहा जाता है कि उस वक्त आप देखेंगे मातृ सत्तात्मक जो सत्ता थी वो ज्यादा वहाँ पर व्यापक रूप में देखने को मिली है, वहाँ की मूर्ति के थ्रू, वहाँ की चित्रकारी के थ्रू ऐसा पता चलता है। द मिडिल पैलियोथिटिक पीरियड इज कॉल्ड फलक कल्चर ड्यू टू द एम्बुरेंस ऑफ प्लैक्यूज। आप यहाँ देखते हैं कि इन उपकरणों का निर्माण जो क्वार्टर्स पत्थरों से भी किया गया है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखते हैं कि इन उपकरणों के अतिरिक्त यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं जिनके बारे में हमें वहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं, जिससे पता चलता है उनका किस तरह से जीवन स्तर रहा होगा। बाकी की सारी चीज़ें सारी जो है साक्ष्यों के आधार पर अज्यूम किया गया है। यहाँ पर देखिए सिहावल की बात कर रहे हैं, जो सिहावल जो कि MP में है, निम्नपुर पाषाण संस्कृति का एक पूरा स्थल है, और संघावो गुफा निम्नपुरा पाषाण काल का ही यहाँ पर एक पीरियड है जिसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, पैलियोथेटिक एज, यानी कि आपको पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखेंगे कि जैसे क्या क्या चीज़ें आपको साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुई, जैसे शिकारी जीवन पता चला, यहाँ पर शिकारी जीवन था, कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। क्रोड उपकरणों से निर्माण जो चीज़ें हुई हैं उनके पता चला, चॉपर आप देखेंगे चैपलिंग की जो चीज़ें हैं वो पता चली हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको इससे संबंधित साक्ष्य मिले हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे आप जो राजस्थान की बात की जाए, तो यहाँ पर देखते हैं कि राजस्थान के नागौर जिले से आप देखेंगे राजस्थान के नागौर जिले में स्थित सिंधी तालाब से केवल पूर्व पाषाणकालीन सामग्री के स्थल मिले हैं, जबकि आप देखते हैं कि पूरा पाषाणकालीन स्थल पूरे भारत से मिले हैं। जबकि आप यहाँ पर क्या कहा जाता है कि पूरा पाषाणकालीन स्थल गंगा और सिंधु के आप बीच के स्तर में देखेंगे सर्वाधिक संख्या में इनके मिले हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, पैलियोथिटिक साइट्स जो है वो हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। तो पूरी इंडिया से ही बेसिकली आपको यहाँ पर साक्ष्य देखने को मिले हैं, पर्टिकुलर एरिया से हम नहीं कह सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ देखिए, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पैलियोथिटिक साइट्स हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द बेसिन ऑफ द गंगाज एंड द इंडस। यही चीज़ मैंने आपको बोली है अभी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड दिया गया है डोलमेंस, यहाँ पर वर्ड दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोलमेंस मीन्स यहाँ पर मेगालिथिक टॉम्ब्स देखते हैं जो विल्ट ओवर वर्ड डेड की बात करें, जो गड़े हुए मुर्दे होते हैं ना उनसे निर्मित समाधियाँ जो बनाई जाती हैं उनका किस शब्द से उनका तात्पर्य होता है, किस शब्द से वो जाने जाते हैं, तो यहाँ पर क्या नाम लिखा हुआ, डोलमेंस शब्द का जो तात्पर्य है वो गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियों से होता है, तो इंपॉर्टेंट है आपका। द लाइफ ऑफ पैलियोथिटिक पीपल वॉज कम्प्लीटली नेचुरल, दे वर प्रिमिलरी डिपेंडेंट ऑन द हंटिंग, दे वर अनोन ऑफ फायर, सो दे एट रॉ मीट। आप देखते हैं पैलियोथिटिक पीपल वर अनोन ऑफ फार्मिंग एनिमल्स एंड हस्बेंड्री। आप देखेंगे कि जो वहाँ के प्रागैतिहासिक लोग थे, जो वहाँ के एज के जो लोग थे, देखिए वो अग्नि को नहीं जानते थे, आग जलाना नहीं जानते थे, ठीक है। यहाँ पर जानवरों को मारकर ही वो जो है वो वहाँ पर खाते थे, मांस खाते थे, रॉ मीट खाते थे, क्योंकि आग की उनको जानकारी नहीं थी, किसी चीज़ के बारे में पता नहीं था, खेती वो जानते नहीं थे, ठीक है, पशुपालन वो जानते नहीं, तो यही सब चीज़ें यहाँ पर ध्यान देनी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका। देखिए इस काल में आप देखेंगे तापमान धीरे धीरे यहाँ पर गिरने लगा था, ठीक है। अब देखते हैं मैन ऑफ द एरिया एरा वॉज हंटर एंड फूड कलेक्टर, ह्यूमन बींग्स ऑफ दिस पीरियड डिड नॉट हैव नॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर, वही कृषि और उनको वहाँ पर पशुपालन की नॉलेज नहीं थी। जैसे जैसे आप आगे एरा में बढ़ेंगे इनको चीज़ों की नॉलेज होती जाएगी, ठीक है। आप फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पर टेम्परेचर उनका धीरे धीरे डाउन होने लगा था उस समय की
बात की जा रही है। एट दिस टाइम द इंडस्ट्री वॉज मेनली कम्पोज ऑफ फ्लेक्स टूल्स, यहाँ पर बात करें उस समय में उद्योग मुक्ता शुल्क से बनी वस्तुओं का होता था। इस समय के मुख्य औजारों की यदि बात की जाए तो मेन टूल्स ऑफ दिस टाइम वर फ्लेक्स, ब्यूरेंस, देखेंगे परफोरेटर था, स्क्रैपर था, यानी कि आप समझ रहे ना, फलक में जैसे बेदनी, छेदनी, खुर्ची इत्यादि सारी चीज़ें वहाँ पर क्या था, मेन टूल्स थे उनके। ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ द फ्लेक टूल्स जो है, दिस पीरियड इज कॉल्ड फ्लेक कल्चर। उनके फ्लेक टूल्स की वजह से उनको वहाँ पर क्या कहने जाने लगा, फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाने लगी। वहीं देखते हैं प्लेक्यू टूल्स मेड बाय द लेवालोइंस की बात कर, लेवालोइंस टेक्निक की बात करा, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिडिल, देखते हैं पैलिस्टोकेन एपोक की बात करा है कि जो लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक हुआ करते थे, जो टूल्स हुआ करते थे, वो मध्य प्लीस्टोसिन भूवर्गीय युग की विशेषताएं हुआ करती थी। यहाँ पर वही चीज़ मेंशन की गई है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि मानव के पहले साक्ष्य की बात की जाए तो मानव का सबसे पहला साक्ष्य एमपी के जो वेस्टर्न नर्मदा क्षेत्र में मिला है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कि पहला ह्यूमन जो साक्ष्य है वो आपका एमपी के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मिला है। जैसे देखेंगे कि ह्यूमन जैसे प्राणी, जैसे मानव जैसे प्राणी, अर्थात हम कह सकते हैं आरंभिक प्राणी जिनसे मानव का विकास हुआ, उन्हें होमिनिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो होमिनिड कहलाते हैं, ठीक है। ह्यूमन से होमिनिड बना है, एक तरीके से आपको ये समझना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर यह है ना कि इसके बारे में कि इनको बोला गया है। देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में अब हथनोरा स्थल से सबसे पहले होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई थी, और इसीलिए इसको हथनोरा का मानव वसम जीवाश्म होमो इरेक्टस कहा जाता है, क्लियर है। देखिए यहाँ पर आप कह रहे हैं कि इसकी खोज कब की गई है, इसके बारे में भी बताया गया 1982 की यहाँ पर बात की गई कि 1982 में ऐसे खोजा गया था इसको। देखिए इसके बाद आप यहाँ पर आते हैं, एविडेंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ एनिमल फुटप्रिंट्स अलॉन्ग विद द एक्यूलियन टूल्स हैज बीन डिस्कवर्ड एट अ पैलियो, देखते हैं पैलियोलिथिक साइट कॉल्ड, आप क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तमिलनाडु के एक अति परक्कम से पुरापाषाणकालीन स्थल पर। आप देखेंगे कि एल्यूशन जो आपके औजार हैं उसके साथ साथ पशुओं के यहाँ पर पदचिन्ह, आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पर उनके एनिमल फुटप्रिंट्स की बात करें, पदचिन के भी एक कई सारे साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, कहाँ से, तमिलनाडु के अति परक्कम से, ठीक है। एविडेंस ऑफ द ओल्डेस्ट हट्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द पैसारा, यानी कि जो कि बिहार में है। पैसारा इज अ पैलियोथेटिक साइट, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द विटुला जसवाल इन 1947, क्लियर है। आइए अब इसमें नेक्स्ट क्या है हमारा, मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल की यहाँ पर बात कर रहा है। तो देखिए मध्य पाषाण काल कैसे आपके पुरापाषाण काल से भिन्न था, इसको हम यहाँ पर थोड़ा इस तरह से समझते हैं। देखिए मध्य पाषाण काल में यानी कि मेसोलिथिक जो एज था उसमें छोटे पाषाण उपकरण यहाँ पर बनने लगे। आप देखेंगे शल्क की जो टेक्निक थी उसका प्रयोग होने लगा, मछली पकड़ना, इनको फिशिंग देखेंगे शुरू कर दिया था, पक्षियों का शिकार होने लगे थे। और आप देखते हैं कि यहाँ पर मानव पशुपालन करने लगा, ठीक है। उसके साक्ष्य कहाँ से, बागोर से उनको मिलते, तो पता चलता है हमें कि मानव जो है उस काल में पशुपालन उसने करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर मानवीय आक्रमण और युद्ध के भी साक्ष्य मिलते हैं। युद्ध के साक्ष्य आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के जो सराय नाहर राय है उससे साक्ष्य मिले हैं। वहाँ कहाँ से साक्ष्य मिले हैं, यूपी के सराय नाहर राय से उसके साक्ष्य मिले हैं। किसके, युद्ध के, कब की बात कर रही हूँ, मेसोलिथिक एज की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मैसोस और लिथोस से मिलकर बना है। इसमें वही सब चीज़ें हैं कि आदि नवपाषाण काल और संक्रमण काल भी इसे कहा जाता है। इसमें क्या क्या कहा जाता है, द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेसोलिथिक पीरियड इन इंडिया केम इन 1867 AD व्हेन CL कार्ले हैज डिस्कवर्ड द, देखेंगे माइक्रोलिथिक फ्रॉम द विंध्या रीजन। आप देखते हैं कि जो मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सबसे पहले 1867 में तब हुई जब GS कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र आप समझ रहे हैं यहाँ पर, विंध्य क्षेत्र की जो विंध्य रीजन की बात करा है, इंडिया के अगर मैप में देखेंगे कुछ इस प्रकार से विंध्य क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं ह्यूमन स्केलेटन आर फर्स्ट फाउंड इन इंडिया फ्रॉम द मेसोलिथिक पीरियड। आपको देखेंगे जो मानव के कंकाल है ना, अस्थि पंजर, सबसे पहले मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर 14 मानव समाधान यहाँ पर आपको जो शवाधान है मिले हैं दमादम में, ठीक है। आप देखेंगे दमदमा जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से एक मध्य पाषाण काल स्थल है, ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। 41 यहाँ पर उनके जो केव्स हैं वो फाउंडेड यहाँ पर मिले हैं, उनको फाउंड किया गया, उनको खोजा गया है। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर अगर बात करें तो देखते हैं इसमें एन इवोरी पेंडेंट एंड मेनी टाइप्स ऑफ टूल्स मेड ऑफ बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द दमदमा मेसोलिथिक साइट लोकेटेड इन प्रतापगढ़ यूपी की बात कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में जो स्थित मध्यकालीन जो स्थल है जो दमदमा है उससे हाथी दांत का लटकन और हड्डियों से बने कई प्रकार के औजार प्राप्त हुए हैं। मतलब हाथी दांत का वहाँ पर उपयोग होना शुरू कर दिया गया था जो कि आज के समय पर प्रॉपरली बैन है। क्यों, हाथी इंडेंजर्ड में आ गए हैं कहीं ना कहीं, तो उसकी वजह से उसको बैन कर दिया गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एक्सा आप देखेंगे एक्सकेवेटेड एविडेंस टू द यहाँ पर
देखते हैं कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगैन इन द मेसोलिथिक पीरियड. द अर्लियर एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन इंडिया हैव बीन फाउंड एट आदमगढ़, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में बागौर, जो कि आपके राजस्थान भिलवाड़ा में है, ठीक है. भीमबेटका सिचुएटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रीहिस्टोरिक रॉक पेंटिंग. द बागौर इंडियाज लार्जेस्ट मेसोलिथिक एंशियंट साइट इज लोकेटेड इन राजस्थान. ऑक्स, शीप, गोट एंड पिग वर रेज्ड एज, आप देखेंगे, लाइव स्टॉक अराउंड 5000 BC. Since then, these was kept as livestock from 1968 to 1970. V.N. Mishra got an exhibition here. इसको समझिए, in short की जो जैसे बैल, बकरी, भेड़ और पिग, इन सब का करीब 5000 ईसा पूर्व के से ही पालतू के रूप में, पशुपालन के रूप में इनको पालना शुरू हो गया था. इसकी खोज के बारे में किसने बताया, इसकी खोज किसने की, तो 1968 से 1970 तक के बीच में आप देखते हैं जो उत्खनन कार्य किया था वो किसने किया था, वीएन मिश्र ने. उनके द्वारा ही बताया गया, भाई ये चीज़ें वहाँ पर मिली हैं, उनके द्वारा हमें ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलता है. यहाँ पर देखिए ये जो लिखा है जो पाषाणकालीन स्थल है, यहाँ से पशुवध यानी कि बूछड़खाना होता ना, एबिटियर जो होता है हमारा, बूचड़ खाना होता है, वहाँ पर उसके साक्ष्य प्राप्त हुए. कहाँ से, महदहा, जो कि प्रतापगढ़ यानी कि यूपी की बात कर रहा है. मध्य पाषाणकालीन एक स्थल है ये. क्लियर हो गया है मध्य पाषाणकाल. चलिए अब यहाँ पर नेलोथिक एज की बात कर रहा है, यानी कि नव पाषाणकाल. नाम से ही आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर नव यानी कि किसी नए चीज़ की बात कर रहा है. दैट मीन्स यहाँ पर कुछ नया हुआ है जो पहले से भिन्न है, जो पहले से अलग है. तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें नई जैसे हुई, जैसे आप देखें कृषि होना शुरू, एग्रीकल्चर इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है. मेहरगढ़ से इसके साक्ष्य मिलते हैं कृषि के. वही देखेंगे इन्होंने स्थाई ग्राम का विकास किया, मतलब अब ये एक तरह से स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया इन्होंने. मृतभांड यानी कि जो मिट्टी से बने बर्तन मिलने लगे. अब भाई जब आप वो स्थायी रहने लगे तो उन्होंने घर बसाना शुरू किया, कृषि की शुरुआत की, पशुपालन शुरू कर दिया, धातुओं का प्रयोग होना शुरू कर दिया. तो सारी चीज़ें धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ने लगी, उनका विकास होने लगा. जैसे जैसे वो रहन सहन उनका बढ़ता गया, उनकी ज़रूरतें भी बढ़ती गई, उस हिसाब से उन्होंने सामान का बनाना, उनको डेवलप करना शुरू कर दिया, ठीक है. इसको देखिए वर्तमान काल में आप देखते हैं 80,000 से 1,00,000 वर्ष पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष बोरनेओ की गुफा में प्राप्त हुए, ये इंपॉर्टेंट है. इसके बाद देखते हैं जो महगढ़ा नवपाषाण युगीन स्थल है जो विंध्य क्षेत्र में स्थित है, ये भी मैंने बताया था. इट इज लोकेटेड अबाउट 70 किलोमीटर साउथ ऑफ इलाहाबाद ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना. द ऐश माउंट्स बिलोंग टू द नेलोथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया. जो राग के टीले हैं वो दक्षिण भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित हैं, ठीक है. इसके बाद आप देखते हैं कि भारत में सबसे प्राचीनतम चूल्हे के पुरातात्विक साक्ष्य आपको कहाँ से, आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, ठीक है. इसके बाद देखते हैं कि जो नवपाषाण शब्द है, जो नेलोथिक शब्द है, वो पहली बार सबसे पहले जॉन लुब्बाक ने अपनी जो पुस्तक थी, जो बुक थी, प्री हिस्टोरिक टाइम्स में दिया था. किसके बारे में, पूरा नवपाषाण काल का जो सबसे पहले प्रयोग था, लुब्बाक ने किसमें, अपनी बुक थी जो प्री हिस्टोरिक टाइम्स में, उसके बारे में उसमें मेंशन किया था. आप इसके बाद इसमें देखते हैं कि मेहरगढ़ का जो उत्तर पश्चिम की अगर बात करें तो उसमें आखेटक संग्राह के पशुपालन और स्थायी कृषि के रूपांतरण में विविध चरणों का बहुत ही पुराना और क्लियरली नवपाषाणकालीन साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं उसमें, ठीक है. वहीं देखते हैं ऑलचिन दंपत्ति और वीके थापर ने, यहाँ पर देखिए वीके थापर एक्नॉलेज द इन्फ्लुएंस ऑफ द नेलोथिक कल्चर्स ऑफ चाइना इन द इमर्जेंस ऑफ नेलोथिक कल्चर ऑफ नॉर्थ इंडिया. यहाँ पर इन्होंने क्या किया, उत्तर भारत की नवपाषाणकालीन नवपाषाणिक संस्कृति के उद्भव में चीन की नवपाषाण काल की संस्कृतियों का प्रभाव स्वीकार किया, उसका इफेक्ट वहाँ पर देखा गया है. चलिए इसमें देखते हैं कि सबसे पहले खाद्यान्न का उत्पादन कहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, मतलब जो आप देखेंगे इसमें सबसे पहले ग्रेन्स के यानी कि खाद्य के जो उत्पादन हुआ उसका सबसे पहले साक्ष्य आप देखते हैं नेलोथिक एज से मिलना शुरू हो गया था, जिसमें गेहूं जो है वो कृषि से प्रारंभ किया गया, गेहूँ की कृषि से. फिर आप देखते हैं धीरे धीरे यहाँ पर चावल के साक्ष्य प्राप्त होने लगे. वही प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य स्थल जैसे मेहरगढ़ हो गया जो कि उत्तर प्रदेश में है, जबकि बलूचिस्तान में सबसे प्राचीनतम गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण यहाँ पर मिलने शुरू हो गए थे. वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पर सब चीज़ें लिखी हुई हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इसके बाद देखिए आप यहाँ पर मानव कंकाल के साथ एक अलग प्रथा देखने को मिलती है. आप देखेंगे मानव के कंकाल के साथ यहाँ पर कुछ जैसे उनके जो वफादार कुत्ते हुआ करते थे ना, उनको भी उनकी जो डेड बॉडी होती थी उसके साथ ही दफना दिया जाता था. और ये साक्ष्य कहाँ देखने को मिला है ऐसा, आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर के जो अब जो वुर्ज होम है ना, वहां पर उसके साक्ष्य प्राप्त हुए. और साइट को खोजा किसने, डिस्कवर किसने किया है, तो आप देखेंगे साइट को डी टेरा ने 1935 में, पीटरसन ने, इन दोनों ने मिलकर 1935 में इस पूरा स्थल की खोज की थी. तो इंपॉर्टेंट है कि कुत्ते के साथ जो मानव कंकाल के साक्ष्य है वो कहां से, कंकाल कहां से प्राप्त हुए, वुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुए हैं. चलिए
आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम, जो कि इम्पॉर्टेंट है उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है आप देखेंगे कि अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि दिया है कि द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द मेजर, देखेंगे कि कह लो थिक कल्चर्स वेयर वॉर प्रिवलेंट इज इंडिया एज फॉलोअर्स, कया था आहार मलवा जोर, आप देखते हैं जोर का, इसके बाद देखते हैं कया था जो उज्जैन MP में है, आहाद हो गया, जोर हो गया, ठीक है। इन द आप देखते हैं कह लो थिक टेक पीरियड है जो सर्कुलेट पिट ड्वेलिंग हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम आहार, आहार गुल्ट हो गया, मर्मी हो गया, पलाहताल हो गया, वर मेजर कैलोरिथिकल साइट लोकेटेड इन राजस्थान, इन सबसे आपको यहाँ पर साक्ष्य देखने को मिले हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें। नाउ लेट्स सी, एन आइडल ऑफ मदर गॉडेस हैज़ बीन फाउंड इन इनाम गांव। यहाँ पर देखेंगे इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली, मैंने भी स्टार्टिंग में बताया था मातृ सत्तात्मक वहाँ पर चीज़ें देखने को मिली हैं जो कि पश्चिम एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा से मिलती जुलती है मातृ देवी की प्रतिमा, ठीक है। वही देखते हैं कि आप देखेंगे कि लॉर्ड कर्जन, यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के बारे में पता चलता है कि ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन इट वॉज द सेंट्रलाइज्ड एज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड जॉन मार्शल वॉज मेड इट्स फर्स्ट डायरेक्शन जर्नल। यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका पहला महानिदेशक बनाया गया था। तो मतलब आप देखेंगे सबसे पहले पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में अलेक्जेंडर कनिंगम को 1861 में यहां पर नियुक्त किया गया था, ठीक है। फिर देखेंगे जो नेशनल ह्यूमन म्यूजियम है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, इंदिरा गांधी नेशनल म्यूजियम इज लोकेटेड इन भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में। इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। ये ध्यान दीजिएगा किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत कौन सा म्यूजियम या किसकी बात कर रहा है ये। हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉपर आप देखेंगे एविडेंस हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द गंगेरिया मध्य प्रदेश। आप देखेंगे जो आप यहाँ पर देखते हैं सबसे ज्यादा जो ताम्र संचय के जो साक्ष्य है वो मध्य प्रदेश के गंगेरिया से प्राप्त हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। नाउ लेट्स सी द भरतपुर पुरस्थल पश्चिम बंगाल में स्थित है, लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। एविडेंस ऑफ द कैलो चाल देखेंगे कैल कोलिथिक पीरियड एंड नेलोथिक पीरियड हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम हियर। जो ताम्रपाषाणकालीन है न पाषाणकालीन के साक्ष्य ज्यादातर आपको भरतपुर पुरास्थल पश्चिम बंगाल से ही देखने को मिले हैं, क्लियर हो रहा है। चलिए नाउ लेट्स जंप द अनदर सब्जेक्ट, यहाँ पर हम इंडियन ज्योग्राफी को देखने वाले हैं। देखिए ऐसा क्यों है, हमने देखिए जो सेगमेंट बनाए हैं डेज 1 डे 2 एंड डे 3 इसमें हमने हर सब्जेक्ट को कोशिश की है कुछ कुछ सेगमेंट्स उससे लें ताकि ये बर्डन फील भी ना हो और आपके लिए थोड़ा बोरिंग ना हो, क्योंकि पर्टिकुलर कंटिन्यू एक ही सब्जेक्ट पढ़ने से क्या होता है थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, थोड़ा उस जोन से अब नए जोन में लाने के लिए कैसे आप चीज़ों को इंटरकनेक्ट करते हैं इंटरलिंक करते हैं उसको समझिए। जैसे उसमें जो भी आप लोकेशन दी गई थी, चाहे वो आपको अहमदनगर बोला गया, गुजरात बोला गया, राजस्थान बोला, सो मेनी स्टेट आई टोल्ड यू, तो उसमें देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ उनका क्या लोकेशन है। उसके साथ साथ आप ज्योग्राफी को भी तैयार कर सकते हैं ना, तो कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ सिर्फ वही सब्जेक्ट तैयार नहीं होता, उसके साथ सारे और भी सब्जेक्ट कई सब्जेक्ट कनेक्टेड होते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी को देखेंगे, उसका ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन देखेंगे कहाँ पर कैसे क्या है। इसमें देखेंगे जैसे अनदर नेम ऑफ इंडिया क्या है, आर्यवर्त, आप देखते हैं इसमें जम्बू द्वीप हो गया, भारतवर्ष हो गया, हिंदुस्तान हो गया, इन नाम से भी जाना जाता है, इससे पहले भी हमने इसको देखा है। कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, नेशनल एनिमल टाइगर, नेशनल हेरिटेज एनिमल एलिफेंट, नेशनल बर्ड पिकॉक, नेशनल ट्री बनियन, यानी कि आपका क्या है नेशनल ट्री क्या है यहाँ पर, अगर यहाँ पर बात की जाए किसकी बात कर रही हूँ मैं, नेशनल ट्री यानी कि जो राष्ट्रीय वृक्ष की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर क्या है आपका बनियन है, ठीक है। बनियन मतलब समझ रहे हैं ना यहाँ पर सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका क्या है बरगद है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेशनल फ्लावर लोटस है, देखिए नेशनल फ्लावर क्या है लोटस है। नेशनल एम्बलम की बात की जाए तो लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका, यानी कि आप समझिए अशोक का जो एम्बलम जो चिन्ह है राष्ट्रीय चिन्ह वो अशोक का स्तंभ है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय गान हमारा क्या है जनगणमन, आप यहाँ बता सकते हैं, ये मैंने हिंदी में भी पूछा था, देखिए हेल्प कर दे रही हूँ यहाँ पर कि पहली बार जनगणमन कहाँ गाया गया था और किसके द्वारा इसको लिखा गया। नेशनल सॉन्ग यदि बात की जाए, राष्ट्रीय गीत की बात की जाए तो वो वंदे मातरम है, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, नेशनल स्क्रिप्ट देवनागरी, नेशनल मोटो सत्यमेव जयते, नेशनल फ्लैग ट्राइकलर है, जो आपका ट्राइकलर है वो है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं कि नेशनल रिवर क्या है गंगा है, नेशनल एक्वाटिक एनिमल क्या है डॉल्फिन है, ठीक है। इसका स्टेट विद द इंटरनेशनल बाउंड्रीज कितने स्टेट है जो आप देखेंगे कि अन्य देशों के साथ वहाँ पर बाउंड्रीज अपनी शेयर करते हैं, तो वो 17 है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देख लेते हैं, ऊपर बढ़ते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पर कि ज्योग्राफिकल लोकेशन की यदि बात की जाए तो सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट, जो यहाँ भौगोलिक स्थिति वो सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट हैम देखेंगे हेमिस्फेयर के पास में, आप देखेंगे कि ये जो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। इसके बाद लैटिट्यूड की बात की जाए यहाँ पर तो देखेंगे जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8°4 अक्षांश से लेकर 37°6 नॉर्थ लैटिट्यूड तक है, जो अक्षांश है वो लैटिट्यूड तक है। यहाँ पर
देखते हैं लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन की बात की जाए, यानी कि उसके जो देशांतर की बात की जाए वो यहाँ पर कुछ इस तरह से स्टैंडर्ड टाइम अगर बोला जाए तो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर, 5 आवर्स 30 मिनट जो है अहेड टू द जीएमटी से। आप देखते हैं कि जो ग्रीनविच माध्यम समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है यहाँ पर। ठीक है, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन की बात की जाए, भौगोलिक विस्तार की, कुछ इस तरह से लैंड बाउंड्रीज देखेंगे, कुछ इतने किलोमीटर है। वाटर बाउंड्रीज देखते हैं, 7516.6 किलोमीटर्स है। रीजनल वाटर बाउंड्रीज आप देखते हैं कितनी है यहाँ पर, वो क्या है, 12 ओशियन माइल्स टू ओशियन कोस्ट है यहाँ पर। ठीक है, समझ रहे हैं आप यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो EEZ जिसको हम बोलते हैं, 200 नॉटिकल मील्स होता है, ये सबको पता होना चाहिए। कॉन्टिग्यूस आप रीजन देखते हैं, 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम कोस्टाइल है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर शेयर वर्ल्ड टोटल एरिया कितना है, 2.42% है यहाँ पर। That means इसको समझिए कि जो हमारा आप देखेंगे यहाँ पर 2.42 की जो बात करा है, यहाँ पर शेयर वर्ल्ड टोटल एरिया जो है पूरे विश्व का जितना भाग है वो हम कितना है, 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुछ क्षेत्रफल का कुछ इतना है। पोजीशन टर्म्स ऑफ द एरिया अगर देखें पूरे विश्व में तो 7वां स्थान हमारा है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखते हैं जो मेट्रिकल शेप क्या है इसका, तो क्या है इसका, चतुष्कोणीय है। ठीक है, क्वाड्री लेटरल है यहाँ पर। एक्सटेंशन माउंटेनियस रेंज देखते हैं, 10.7% है इसका। ओके, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र जो भारत का विस्तार है वो कितना, इतना। एक्सटेंशन ऑफ प्लेटू रीजन क्या है इसका, पठारी क्षेत्र का, 27.7%। स्टेट्स सिचुएटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट मींस कर्क रेखा पर स्थित भारत के जो 8 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात पूछी है तो आपको जैसे इक्वेटर हो गया, ठीक है, विषुवत रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया, उनके बारे में भी पता होना चाहिए, वो किन किन देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन सी ऐसी देश है, कौन सा ऐसा देश है जिनसे तीनों रेखाएं होकर गुजरती है, तो वो सब आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी यहाँ फोकस करते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 8 स्टेट है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फीमेल लिटरेसी की बात की जाए तो 70.3% है। और अगर मैं यहाँ पर यूपी के बारे में आपसे पूछूं तो लेटेस्ट डाटा के अनुसार बताइएगा फीमेल लिटरेसी रेट क्या है। पोजीशन इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड सेकंड है, फर्स्ट पे कौन है आपका, चाइना है। ठीक है, फीमेल पॉपुलेशन आपका इतना है। इसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की, 382% पर स्क्वायर मीटर है। मेल लिटरेसी 80.9% और वुमेन की लिटरेसी का रेट मैंने यहाँ बताया था। यूपी के मेल और फीमेल की लिटरेसी रेट जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन यहाँ पर इतना है। टोटल लिटरेसी ऑफ इंडिया 77.7% है। क्लियर है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द एरिया ऑफ इंडिया एंड इट्स लेटिट्यूड एक्सपेंशन की बात कर रहा है यहाँ पर। इन शॉर्ट इसको हम इस तरह से समझते हैं कि जो भारत का क्षेत्रफल है उसका यहाँ पर लेटिट्यूड एक्सपेंशन यानी कि अक्षांशीय और देशांतर यहाँ पर दोनों की बात कर रहा है। ठीक है, इट्स लेटिट्यूड एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें हम अक्षांशीय और देशांतर विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ तत्व है उनको समझेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए इसकी बात कर रहा है, यहाँ पर लॉन्गिट्यूड की भी बात कर रहा है, उसके समय की बात कर रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए कि इंडिया क्या है, विशाल देश है में आप देखते हैं कि उसका जो मुख्य भाग है वो आप देखेंगे 8 डिग्री 4th आप देखते हैं 8 डिग्री 4 मिनट की अगर बात करें नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ से आप देखते हैं यहाँ पर है। लॉन्गिट्यूड की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इतना डिवाइडेड इन द कंट्री ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, दो भागों से इस तरह से कर्क रेखा इसको काटती है 23.5 डिग्री पर, उत्तर में भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग को दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह, अरब सागर में स्थित है। यहाँ पर कुछ मैप के द्वारा दिया गया, जब हम नीचे यहाँ पर आएंगे तो आपको डिटेल में समझा देंगे, आप टेंशन नहीं लेना है आपको। देखिए यही चीज ऊपर हमने पढ़ी थी, इसको इन डिटेल यहाँ पर समझा दिया गया है। अब हम बात करें तो विश्व का कुल क्षेत्रफल कितना कवर करता है, 2.4% करता है। ठीक है, यही सब चीजें हमने पढ़ी है, तो ये मत सोचेगा कि मैम इसको स्किप कर रही है, वही सब हमने इन शॉर्ट पढ़ लिया था, जिसको इसमें डिटेल्स में मेंशन कर दिया गया है कि इतने स्क्वायर मीटर में इंडिया का एरिया है पूरे विश्व में। ठीक है, इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वलित पर्वत है वो काफी नवीनतम वलित पर्वत है, भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग आप देखते उत्तर में चौड़ा है, जो 22 डिग्री नॉर्थ आप देखते हैं अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इत्यादि चीजें यहाँ पर दी गई हैं जो एज इट इज हम पढ़ चुके हैं। आप देखेंगे यहाँ पर मेन अगर हम आए यहाँ पर देखिए, अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कुछ नंबर्स हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं, और आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो जो है वो आपको आसानी से मिल सके। हमारी सारी वीडियोस फ्री हैं और फ्री रहेंगी, एब्सोल्युटली फ्री की बात करते हैं यहाँ पर। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए कुछ देशों के नाम लोकेट किए गए, जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, इसके बाद देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, ये सब चीजें यहाँ पर अन्य देश जो है
यहाँ पर दिए गए हैं उनको हम देख सकते हैं। यहाँ पर इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आइए देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर समझना है कि जो इसकी लेटिट्यूड की बात कर रहा है, एक इमेजिनरी लाइन है ये। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि उसको खींचा गया है। आप देखेंगे यहाँ पर एक इमेजिनरी जो अक्षांश रेखा है वो काल्पनिक रेखाएं होती है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। यहाँ पर इसी की बात की जा रही है ना, तो यहाँ पर इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, लैटिट्यूड आर द इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, इसको इस तरह से समझिए, जो लैटिट्यूड जो अक्षांश रेखाएं होती है किस प्रकार से होती है, ये समझ लिया हमारा ग्लोब है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये अक्षांश रेखाएं होती जिनको लैटिट्यूड आप इमेजिनरी लाइंस होते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक है, ये अक्षांश रेखाएं हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि आप देखेंगे कि अक्षांश रेखा क्या, काल्पनिक रेखा है। अक्षांश को अंशों, मिनटों, सेकंड में दर्शाया जाता है। अब हम बात करें कि पृथ्वी को आप देखेंगे अपने अर्थ को दो बराबर भागों में बांटने वाली ये 0 डिग्री जो है वो विषुवत रेखा है। ठीक है, भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या कहेंगे भाई, नॉर्थ कहेंगे भाई, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, दक्षिणी भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। ये सब चीजें यहाँ बताई गई हैं आपको। इसके बाद देखते हैं जो हम अगर देखेंगे कि इक्वेटर को सर्टनली प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स, एनी मेरिडियन कुड हैव बीन टेकन द टू बिगिन द नंबरिंग ऑफ द लॉन्गिट्यूड, इट वॉज फाइनली डिसाइडेड बाय एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट इन 1884 दैट द जीरो मेरिडियन विल बी द वन विच पासिस थ्रू द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंडन। क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अगर आगे बढ़े हैं इसमें तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, यहाँ पर देशांतर और उसके समय की बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं। तो देखिए देशांतर और उसके समय का क्या खेल होता है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है। यहाँ पर ये चीज बोली कि इट मेक्स द सनराइजेस इन द ईस्ट एंड सनवेस्ट इन द सनसेट इन द वेस्ट। ठीक है, द रोटेशन ऑफ द अर्थ ओवर द एक्सिस टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन सर्कल और 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड एज 180 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड फॉल्स बोथ ईस्ट एंड वेस्ट टू ऑफ द प्राइम मेरिडियन द सन दस टेक्स 12 आवर्स टेक टाइम टू ट्रेवर्स द ईस्टर्स द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर इन अदर वर्ड द सन ट्रेवर्स। आप देखेंगे जो सूरज है वो 15 डिग्री की यहाँ पर जो बात कर रहे हैं इसको हमें यहाँ पर समझना है। लॉन्गिट्यूड पैरा आर एंड 1 डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूड इन एवरी 4 मिनट्स ऑफ द टाइम इफ मेनी फर्दर वी नोटेड दैट द टाइम डिक्रीज वेन वी मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड इंक्रीज विद आर वेस्ट वर्ड मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पर समझिए कि ये कह रहे हैं कि आप देखेंगे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है 360 डिग्री देशांतर और एक चक्कर जो है लगभग 24 आवर्स में पूरा करती है, लेकिन 180 डिग्री देशांतर जो प्रमुख यामोत्तर के पूर्व और पश्चिम दोनों ओर स्थित होता है। इसी साथ देखते हैं इसलिए सूर्य जो है वो पूर्व से पश्चिमी गोलार्ध में जाने में 12 आवर्स का समय लेता है और इसीलिए इस प्रकार से सूर्य जो ईस्ट से वेस्ट में प्रति घंटा 15 डिग्री देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड या प्रति 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर को पार करता हुआ दिखाई देता है। जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर पढ़ते हैं तब समय बढ़ता जाता है, जब हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तब समय घटता जाता है। क्लियर है, चलिए ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इंदिरा पॉइंट कहा गया है कि जो इंदिरा पॉइंट है वो इंडिया का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर ये सब चीजें दी गई हैं। यहाँ पर दिया गया है कि इंडिया जो है भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, कन्याकुमारी है आपका। ठीक है, और सबसे उत्तरी पॉइंट अगर सबसे यहाँ पर आप देखेंगे द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कहा जाए तो इंदिरा कुल जो कि जम्मू कश्मीर में, सबसे पश्चिमी ईस्टर्न यहाँ पर बात की जाए, अगर पूर्वी की बात की जाए पॉइंट कौन सा है, यहाँ पर सबसे पूर्वी बिंदु है वो किवितु है आपका। ठीक है, और यहाँ पर पश्चिम की अगर बात की जाए तो आप देखिएगा कि जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो आपका क्या होगा, यहाँ पर गौर मोता या गुहार मोती जो है वो सबसे पश्चिमी आपका बिंदु है इंडिया का। देर आर 9 डिग्री चैनल्स बिटवीन मिनिकॉय और लक्षद्वीप, 8 डिग्री चैनल बिटवीन मालदीव्स एंड मिनिकॉय, 10 डिग्री चैनल्स बिटवीन लिटिल अंडमान एंड कार्निकोबार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सीमावर्ती देशों में हम इसको इन शॉर्ट अगर समझे यहाँ पर तो क्या क्या है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश इत्यादि आपके ये जो है नेबरहुड है। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर देखेंगे आपकी उत्तर में जैसे हिमालय हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप कि इंडिया लैंड बाउंड्रीज टचेस जैसे चाइना हो गया, नेपाल इन नॉर्थ हो गया, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट हो गया, पाकिस्तान इन द वेस्ट हो गया। इसको देखिए आप मैप के थ्रू समझेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आज जाके इसको जरा अपने ऑक्सफोर्ड में जाके देखिए कहाँ कहाँ पर ये लोकेशन है, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी विदाउट मैप नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो ज्योग्राफी को अगर मैप के साथ आप पढ़ेंगे तो बेहतर समझ डेवलप करेंगे, चीजों को लोकेट करेंगे तो मेमोराइज हो पाएंगी चीजें और उनको समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। ठीक है, आप यहाँ पर देखते हैं द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज
डेमोक्रेटेड बाय रेडक्लिफ जो लाइन है वो किसके बीच है, इंडिया और पाकिस्तान के। और अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया और किसका चाइना की जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मैगी नॉट लाइन्स इज बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। इंडिया हैज नेचुरल एज वेल एज मैन मेड बाउंड्रीज, हिमालय इन द नॉर्थ, बे ऑफ बंगाल इन द साउथ ईस्ट इंडिया, ओशन इन द साउथ एंड अरेबियन सी इन द साउथ वेस्ट फ्रॉम इट्स नेचुरल बाउंड्री। ठीक है, इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद चाइना, तिब्बत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, एज यूजुअली व्हाट आई सेड टू यू, म्यांमार। रेडक्लिफ लाइन डेमोक्रेट्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मैकमोहन लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जिसे यहां पर पता चल गया है आपको। ड्यूरेंट लाइन डेमोक्रेट्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया वाय द पाक स्ट्रेट। ठीक है, इट इज अबाउट 64 to 137 किलोमीटर वाइड, इट वॉज नेम्ड आफ्टर दैन गवर्नर ऑफ मद्रास रॉबर्ट पार्क, दैट मीन्स इसका नेम क्या है, पार्क स्ट्रेट की बात की गई है। क्लियर है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। द स्टेट ऑफ सिक्किम इन इंडिया हैज बॉर्डर विद थ्री कंट्रीज नेम नेपाल, भूटान एंड चाइना। अब हम बात करें अगर त्रिपुरा राज्य की, तो आप देखेंगे जैसे त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, और अतः इसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। यहाँ पर देखिए सिक्किम का छोटा सा आपको मैप दिया, सिक्किम के जो प्रदेश की सीमा है वो तीन देशों से क्रमशः आप देखते हैं, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चाइना हो गया, इन सीमाओं से घिरा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं इससे लगती हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हिमालय इन द नॉर्थ, बे ऑफ बंगाल इज द साउथ एंड ईस्ट एंड इंडियन ओशन इन द साउथ एंड अरेबियन सी इन द साउथ वेस्ट आर द नेचुरल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। चलिए अब हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको मैकमोहन लाइन्स के बारे में हमने पढ़ लिया, इंडिया एंड चाइना के बीच में, अफगानिस्तान सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया बाय द ड्यूरेंट लाइन। यहाँ पर ये सब चीजें की गई कि किससे ड्यूरेंट लाइन कैसे तो है, वो उसको क्या बोलते हैं, ड्यूरेंट लाइन किससे संबंधित है, अफगानिस्तान को सेपरेट करती है इंडिया से। ठीक है, श्रीलंका इज द नियरेस्ट नेबर ऑफ द इंडिया एज वी ऑल नो दैट। ठीक है, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ द सी नोन एज पार्क स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार। द पार्क स्ट्रेट वॉज नेम्ड आफ्टर द देन गवर्नर मद्रास रॉबर्ट पार्क, हमने एज इट इज ऊपर पढ़ लिया, आई थिंक ये रिपीटेड है, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये रिपीटेड है, तो ये चीजें अननेसेसरी है, इसको बार बार रिपीट करना इन अ शॉर्ट वीडियो। नाउ लेट्स कम ऑन द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। इंडियन इकोनॉमी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जाम। क्यों, वी कैन नॉट स्किप दिस सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी टर्मोलॉजी अगर आपको नहीं पता है तो देन यू कैन नॉट अटेम्प्ट योर क्वेश्चन करेक्टली, राइट। तो आपको यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं उनको समझने होंगे ताकि आप एक अच्छे से चीजों को समझ पाएं और अपने क्वेश्चन को बेहतर तरीके से अटेम्प्ट करके उसका आंसर दे सकें। नाउ डोंट वेस्ट आवर टाइम, और इसके बाद हम जल्दी से शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस रिलेटेड टू द इकोनॉमी। नाउ फर्स्ट व्हाट इज फर्स्ट, इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस। यहाँ पर आपको देखेंगे जो असंगठित यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, जो उनके देखेंगे श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनकी परिभाषा यहां पर दी गई कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं उसमें श्रमिकों की जो संख्या होती है वो 10 से अधिक नहीं हो सकती, राइट। इसके बाद इनविजिबल्स की बात करते हैं, यानी कि जो अदृश्य मदे हैं वो क्या है, जैसे अदृश्य मदों में जो चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही जिनपे खर्च हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे गिफ्ट हो गए, पर्यटन हो गया, जहाज रानी हो गया, बीमा हो गया, बैंकिंग हो गया, वित्तीय सेवाएं हो गया, इन्हीं से हम विदेशों से जैसे उपहार लेते हैं, उनका जो है हम गिव एंड टेक करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, धन का जो निजी खाते का जो ट्रांसफर है वो सब हम देखते हैं, तो वो सब किसमें, इनविजिबल्स में आपके आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स वगैरह। डेवल्यूशन की बात करें, अवमूल्यन की, वट इज डेवल्यूशन, देखिए अ फॉल इन द एक्सचेंज रेट विच रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द करेंसी इन टर्म्स ऑफ द अदर करेंसी, दैट मीन्स पहले जैसे हमारा डॉलर क्या हुआ था, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे एक डॉलर हमारा 70 रुपीज कवर करता था, नाउ अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, 80 रुपीज अबव हो रहा है, तो इससे क्या हुआ, जो विदेशी जो हमारी मुद्रा है उसके कंपेरिजन में जो आपकी जो देश की मुद्रा है वो कहीं ना कहीं कम हो गई है, तो वैल्यू क्या हो गई हमारी मुद्रा की, डाउन हो गई कंपेरेटिवली अदर करेंसीज। ठीक है, तो यही चीज आपका क्या है, डेवल्यूशन है। अब देखते हैं यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देखें तो यहाँ पर इट इज अ डिफाइंड विद रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एन एक्शन एंड इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फॉरगन ऑल्टरनेटिव चॉइस एंड एक्शन। ठीक है, यहाँ पर किसी कार्य को करने के लिए संदर्भ में यहाँ पर परिभाषित किया गया है, उसको अस्वीकार किए गए विकल्पों के मूल्य के समान यहाँ पर चीजों को बताया गया, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो कैजुअल वेज लेबरर की बात करें, यानी कि आकस्मिक दहाड़ी मजदूरी, जो आप पर डे के हिसाब से इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर पर डे के हिसाब से यहाँ पर उनको जो है वो दिहाड़ी हम बोल सकते हैं देते हैं उनको, यानी कि उनका जो कैजुअल जो है उनको पैसा दिया जाता है वहां पर। इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी, आप देखेंगे आंतरिक अर्थव्यवस्था का एकीकरण क्या है इसमें, तो देखेंगे इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की जो नीतियां होती हैं, सिचुएशन वेयर द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटेट फ्री ट्रेड इन्वेस्टमेंट विद अदर कंट्रीज, मेकिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी वर्क टुगेदर विद अदर इकोनॉमिक इज एन इफिशियंट एंड म्यूचुअली इंटरप्रेटेंटेड वे। ठीक है, समझ आ रहा है, क्लियर सी बात है कि भाई अपनी जो इकोनॉमी है उसमें कहते हैं कि दूसरों को भी वापस अन्य देशों को भी आने का मौका दे, स्वतंत्रता दे उनको थोड़ी अपने देश में, ताकि बाकी की जो इकोनॉमीज भी हैं वो भी हमारे साथ आके व्यापार
व्यापार करें और हम भी जो है साथ में व्यापार करें और साथ में उसका ग्रोथ हो। इनडायरेक्टली वही कहने का यहाँ पर मतलब है। आइए इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, आयात प्रतिस्थापन की, यहाँ पर तो आर्थिक विकास की ऐसी नीति जिसमें आयात की जा रही वस्तुओं का स्थान देश की अब जो स्वनिर्मित वस्तुएं हैं जो अब अपने देश में बनाई जा रही है उनको रिप्लेस कर दिया जाए उस तरीके से, ताकि बाहर से हमारी डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो, टैक्सेस थोड़े कम देने पड़े और हम टोटली डोमेस्टिक इंडस्ट्री की यहाँ पर बात करें। यही हमारे मोदी जी यहाँ पर अगर हम प्रधानमंत्री जो है वो कहते हैं आत्मनिर्भरता की बात करते तो यही यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया गया है इन अ शॉर्ट टर्म। ये टैरिफ क्या होता है? टैरिफ वही आयात शुल्क होता है जिसको आयात कर वह कर है जो प्रति इकाई या मूल्य के अनुसार निर्धारित होता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जो टैरिफ बैरियर्स होते हैं वो सरकार द्वारा किसी चीज को खरीदा जा रहा है उस पर लगाया जाने वाला एक कर है। क्लियर है? इम्पोर्ट लाइसेंसिंग की यदि बात की जाए तो देखिए कोई भी चीज आप लाइसेंस ले रहे हैं किसी चीज को आयात करने के लिए तो एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती, तो परमिशन रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द इम्पोर्ट गुड इन टू द कंट्री, तो उसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती, तो लाइसेंस की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं उपनिवेशवाद क्या होता है। कॉलोनिज्म, वी ऑल नो दैट व्हाट इज कॉलोनिज्म। कॉलोनिज्म तो जैसे ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, हमारी कंट्री पर जो है आधिपत्य किया था, भले ही वो यहाँ से व्यापार करते थे पर लाभ पूरा उन्हीं को ही होता था। ठीक है, यहाँ पर यहाँ की राजनीति, यहाँ की आर्थिक स्थिति सब पर उन्होंने आधिपत्य कर लिया, जिसका जो लाभ होता है वो मूल देश को होता है जो वहां पर उपनिवेश होता है। उपनिवेशक मतलब जो वहां पर पावर जिसके हाथ में होता है वही उसका पूरा पर लाभ उठा रहा होता है, जिसके ऊपर उपनिवेशक जो प्रताड़ना चल रही होती है उसको इस प्रकार से कोई लाभ नहीं होता। तो हम सब इसको कई बार पढ़ चुके, तो कॉलोनिज्म को आई होप सब अच्छे से जानते हैं कि आप देखते हैं कि इसमें अन्य राष्ट्रों के राजनीतिक आर्थिक जीवन पर कैसे नियंत्रण कर लिया जाता है। प्रवेशवाद की सबसे बड़ी विशेषता अधीनस्थ देशों का शोषण करना होता है। ठीक है, कंजप्शन बास्केट, इसमें देखिए क्या होता है कंजप्शन बास्केट में, कि कैसे वस्तुओं सेवाओं का एक ग्रुप होता है जिनका प्रयोग जनता की कंज्यूमिंग के स्वरूप के अनुमान ही लगाने को किया जाता है। ठीक है, उसमें कैसे कैसे वस्तुओं को ऐड किया जाता है, जैसे इसमें आपके देखेंगे यहाँ पर क्या हो गया, अनाज हो गया, दाल हो गया, दूध से बनी चीजें हो गई, इन सब चीजों को जिनका कंज्यूमिंग की जा रही है उनकी लिस्ट तैयार की जाती है कुछ इस तरह से। तो बास्केट के रूप में मतलब बास्केट में क्या क्या चीजें इन की गई है। इंटरप्राइजेस की बात करें, उद्यम क्या है भाई, देखिए किसी व्यक्ति या किसी ग्रुप के द्वारा कोई ऐसी बिक्री के उद्देश्य से किया गया कोई वस्तु सेवाओं का उत्पादन जो है वो आपका उत्पादन या वितरण उद्यम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अगर नीचे आए तो देखेंगे कि कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है। आप देखेंगे टैक्स ऑन टैक्स की बात करता है, व्हाट द मीनिंग ऑफ टैक्स ऑन टैक्स। देखिए फॉर एग्जांपल हमने एक पेन बनाया, ठीक है, उस मतलब हमारा ये 10 रुपए का पेन बनाया हमने, नहीं इसको इससे मत समझिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जैसे हमने हमारे पास एक पेन है, सेलोग्रेपर है, अब टैक्स ऑन टैक्स की बात है, जब वो मार्केट में गया तो उस पर भी टैक्स लगे, लेकिन देखेंगे जब पेन बनाया गया तो उसके रॉ मटेरियल पर भी टैक्स लगे। फॉर एग्जांपल हमने उसकी जो है आगे जो वो पिन होती है वो खरीदा, उसकी बॉडी खरीदी, उस पर भी टैक्स, उसके सारे रॉ मटेरियल पर भी टैक्स दिया, फिर पेन बन के मार्केट में आता भाई उस पर भी टैक्स, मतलब पेन बन के तैयार हुआ हमारा 10 रुपए का, मार्केट में गया इंक्लूडिंग टैक्स टैक्स, हमारा जो रॉ मटेरियल पर टैक्स था इंक्लूडिंग टैक्स टैक्स, हमारा 10 रुपए का बना, मार्केट में गया वो 12 रुपए का इंक्लूडिंग टैक्स हो गया, तो यहां पर 2 रुपए का टैक्स लग रहा है भाई, यहाँ पर 8 की जगह वो 2 रुपए यहाँ पर जोड़ के 10 रुपए कर दिए तो उसको भी टैक्स लग रहा है। तो टैक्स ऑन टैक्स अब इसको कैंसिल कर दिया गया, तो अब क्या आ गया, जीएसटी आ गया, तो सिंगल टैक्स देना पड़ता है हमें। अंडरस्टूड? चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या है कि घाटे की वित्त व्यवस्था क्या होती है। जैसे डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात की जाए तो सिचुएशन वेयर इज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड्स इट्स रेवेन्यू। भाई सिंपल सी बात है कि आप इसको ऐसे समझिए, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, मतलब 10 रुपए आप कमा रहे हैं भाई और 12 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो कहाँ की समझदारी है? तो वही चीज यहाँ पर डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात की गई है। क्लियर है? इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्या है कि नई आर्थिक नीति, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, व्हाट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, 1991 में क्या हुआ था, हमारी इकोनॉमिक क्लैप्स हो गई थी, तो उस वक्त में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई अब अन्य देश जब हमारे देश में व्यापार करने आएंगे तो उनकी भी तो कुछ शर्तें होंगी कि नहीं होंगी, तो उस वक्त में क्या हुआ, इकोनॉमी रिफॉर्म करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एलपीजी लाए। एलपीजी मतलब देखेंगे उदारीकरण, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन की बात करता है। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या, उदारीकरण का देखिए इसमें भाई ये कि यहाँ पर क्या हुआ था कि भाई चीजें क्या हुई, इकोनॉमी कहीं गड़बड़ाने लगी, हमारी डिसबैलेंस हो गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा और हमने स्वतंत्र कर दिया अपने मार्केट को कि भाई अब अन्य देशों की भी कंपनी आए, भाई हमारा एस्टेब्लिश हो और अपना काम करे, हमारे देश के लोगों को जो भाई काम भी दें, इसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी में भी ग्रोथ होगी। तो उन्होंने एलपीजी लाया, यहाँ पर एलपीजी क्या था, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा और आपका ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या है, न्यू इकोनॉमी का जन्म यहाँ पर देखा गया था। दीज चेंजेस वर इम्प्लीमेंटेड इन सच अ लार्ज एंड इफेक्टिव मैनर और द मैनर इन द इकोनॉमिक फील्ड दैट दे आर कॉल्ड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। इन द पॉलिसीज अनाउंस इन 1991 फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंस वॉज गिवन इन टू मेजर इकोनॉमिक एलिमेंट्स विच इज माइक्रो इकोनॉमी स्टेबिलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के रूप में आपको ये दो यहाँ पर एलिमेंट्स देखने को, ये तत्व वहां पर देखने को मिल जाते हैं इंडियन इकोनॉमी में 1991 के द्वारा। अंडरस्टूड? सारी चीजें क्लियर हो गई है, तो इसी
इसी तरह से निरंतर अपनी तैयारी को बनाए रखिए, हमारी वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए ताकि कोई भी चीज आपसे स्किप ना हो जाए। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपसे भी उम्मीद करते कि आप भी हमारे साथ थोड़ी मेहनत करिए, अपना जो है सहयोग दीजिए, अपना जो वैल्यूएबल टाइम है वो हमें दीजिए ताकि हम दिन प्रतिदिन इसी तरह से आपको और नए नए नॉलेज के साथ चीजें वीडियोज को रिप्रेजेंट करते रहें। इसी के साथ हमारी वीडियोज को प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोज फ्री थी, कंटिन्यू फ्री ही रहेंगी, सो डोंट वरी, डोंट टेक अ टेंशन और कंटिन्यू बने रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।